देर रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, अंकिता मेरे कब्जे में है, अगर उसे सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी हर बात मान लो। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? और अंकिता से मेरी बात कराओ। हेलो, मैंने कहा ना अंकिता से मेरी बात कराओ, कहाँ है वो? कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, भाई तुम्हारे दिल में अभी भी अंकिता के लिए कितना प्यार है। क्या चाहिए तुम्हें? नरेन, क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या चाहिए अंकिता को छोड़ने के लिए? 5 करोड़। क्या? 5 करोड़? 5 करोड़ नरेन? मतलब तुमने पैसों के लिए अंकिता को किडनैप किया है? एक्चुअली वजह कोई और है, लेकिन वो मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। हमने तो तुम्हारा नंबर अंकिता के फोन से लिया पैसे मांगने के लिए, तब तो हमें पता भी नहीं था कि तुम उसके कौन हो, लेकिन अब लगता है कि बहुत गहरा रिश्ता है तुम्हारा उससे। देखो अंकिता इस फैमिली और हम जो। हेलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। रात भर में पैसे जमा करो, फोन करके तुम्हें बता दूंगा कि पैसे लेकर कहाँ आने, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मेरी अंकिता से बात कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक भी है या नहीं। भरोसा नहीं है तो ठीक है, अगर आज रात तक पैसे नहीं आए तो अंकिता की डेड बॉडी ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं रुको, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ, तुम अंकिता को कोई तकलीफ मत देना प्लीज। नरेन जी, क्या 5 करोड़? क्या सबको उठाओ, सबसे बात करनी है। जहां तक मुझे पता है तुम और नरेन अब पति पत्नी तो रहे नहीं, लेकिन आज भी उसकी आवाज में तुम्हारे लिए वही प्यार दिखता है जो पहले हुआ करता था। लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो प्यार दिख ही जाता है, इसका ध्यान रखना। अरे अरे नरेन, क्या हो गया? क्या तूने इस तरह हम सबको क्यों बुलाया बेटा? क्या हुआ बोल ना, अंकिता के साथ? अरे एक मिनट, उनके किडनैपर्स का फोन आया था और उन्होंने अंकिता को छोड़ने के लिए 5 करोड़ मांगे। क्या 5 करोड़? आपकी बात हुई ताई से? कुछ कह रही थी, कैसी है वो? लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? मानजी रिलैक्स, मानजी। नहीं, वो उन्होंने पैसे मांगे, इसका मतलब उनका मोटिव सिर्फ पैसा है। वो ये जानते होंगे अगर अंकिता हर्ट हुई तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि अंकिता ठीक ही होगी, वो लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है, बस पैसे अरेंज करने हैं। हाजी, मुझे लगता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं 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 नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। उन किडनैपर्स ने धमकी दी है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो लोग। एक मिनट, हम उसके किडनैपर्स को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो कुछ नहीं करेंगे अंकिता को। हाँ, और वैसे भी 5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है कि हम ऐसे किसी को दे दें। पुलिस के पास जाइए, उनको 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, उनको जो चाहिए वो दे दीजिए, बस ताई को सेफली घर ले आइए प्लीज। अच्छा तुम खाओ मत, देखो मनु, वो गुंडे बहुत खतरनाक थे, उनके पास गन्स थी, शायद उन लोगों ने मुझे जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि मैं बता सकूं वहां हुआ क्या था, उनकी ताकत का हमें अंदाजा, और हम ताई के लिए कोई रिस्क ना ले। ठीक है, माना कि उसके किडनैपर्स बहुत खतरनाक है, लेकिन हम कैसे उन पर भरोसा करें? मतलब पैसे लेकर भी क्या भरोसा है कि वो अंकिता को छोड़ देंगे? पलट गए तो समझदारी पुलिस में जाने के पास में है। आई रियली थिंक सो। नहीं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अगर उन्होंने ताई के साथ कुछ कर दिया। नहीं मनु, एक मिनट, हम कैसे भी करके ये 5 करोड़ इकट्ठा करेंगे और किडनैपर को दे देंगे।
लेकिन इसमें हम पुलिस को शामिल नहीं करेंगे। अभी घर में अर्चना और मानव नहीं है तो ये फैसला मैं ले रही हूँ। मेरी पोती के सामने ये 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी अंकिता के बारे में पता चला है। जल्द से जल्द उसको छुड़वा कर घर लाएंगे और हमारी अंकिता पापा की कृपा से हमारे साथ होगी। मुझे भी ये लगता है। हाँ जी ठीक कह रही है, हमें हमें यही करना चाहिए। अब बस फोन के आने का वेट करता हूँ।